हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति सिंह और आपसे भी आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग आपकी क्या होगी, पूरी डिटेल हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम देखते हैं इसका इस जो भी सिलेबस आपका है दिल्ली पुलिस का वो क्या होने वाला है। तो डिटेल में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसके पहले वीडियो में हमने बताया, पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल बता दिया है, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। यदि फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की जो स्कीम क्या है वो हम देखेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस के बारे में जानना। सिलेबस जब आपको पता होगा तभी आप अपनी जो भी तैयारी है वो कंटिन्यू अच्छे से कर पाएंगे। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को हम देखते हैं। दी एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जाम होगा सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट पी एंड एम टी फॉलोड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंड कैंडिडेट। जो आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल, जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी उसको चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड। मार्क्स आपका अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्जाम होगा तो मार्क आपका नॉर्मलाइज्ड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेट इन द नोटिस और टेंटेटिव। जो भी डेट आपका एग्जामिनेशन का दिया है वो टेंटेटिव डेट है, यानी कि संभावित जो तिथि दी गई है, कोई फिक्स नहीं है कि उसी डेट पर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का जो डेट है वो चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो कितने मार्क्स का होगा और कितने कौन कौन से सब्जेक्ट से उसमें क्वेश्चन। जो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें आपका टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से अलग अलग जो उनके कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर। एक पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस होंगे और जो कंटेनिंग 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे उसमें कैरिंग 100 मार्क्स, यानी कि जो 100 क्वेश्चन आपका है 100 मार्क्स का है, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का आपका होगा यहाँ पर, यानी 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 नंबर का आपका पेपर होगा, एक क्वेश्चन पर एक नंबर आपका यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो पहला आपका है पार्ट ए में आपका जनरल नॉलेज या करेंट अफेयर्स होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है 50, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। और टाइम ड्यूरेशन जो आपका 100 क्वेश्चन का है, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा यहाँ पर 100 क्वेश्चन को करने के लिए। टोटल 90 मिनट, यानी कि यहाँ पर 1.5 घंटे का टाइम आपका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो दूसरा सब्जेक्ट आपका है रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। तीसरा जो आपका पार्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन होगा 15 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो चौथा पार्ट आपका है कंप्यूटर फंडामेंटल, MS Excel, MS Word, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये इस मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्यूटर के और 10 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। यानी कि 4 पार्ट आपके पूछे जाएंगे 100 नंबर में। 100 नंबर का जो पेपर होने वाला है उसमें 4 पार्ट आपके होंगे। पहला पार्ट जनरल नॉलेज या करेंट अफेयर्स GK GS का होगा। दूसरा पार्ट आपका रीजनिंग का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स और कंप्यूटर। तो 50 नंबर के आपके जनरल नॉलेज, 25 नंबर के रीजनिंग, 15 नंबर का मैथ और 10 नंबर का कंप्यूटर, ये 4 पार्ट है। 4 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चैनल पर आपको मैथ, रीजनिंग, GK GS से रिलेटेड वीडियोज मिल जाते हैं, तो उस वीडियो को भी आप देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सभी वीडियोज़ का प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं निगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है इसमें। तो दियर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। एक नंबर का क्वेश्चन है आपका 0.25 मार्क का निगेटिव होगा, यानी कि 1/4 आपका निगेटिव यहाँ पर होने वाला है। दी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर पूरी डिटेल सिलेबस दी गया है, यानी कि जनरल नॉलेज का कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं, मैथ के कौन कौन से टॉपिक हैं और कंप्यूटर के, पूरा डिटेल यहाँ पर है, आप स्क्रीन शॉट लेके देख सकते हैं। रीजनिंग और मैथ की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से बहुत सारे टॉपिक कवर किए जा चुके हैं रीजनिंग और मैथ के, तो आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में डिटेल पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दी क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल। जो क्वेश्चन का पेपर होगा मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड आपका पेपर नहीं रहने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग GK GS की जो वीडियोज डाली गई हैं उसको आप देख सकते हैं।